स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे आप जो है अपना अलॉटमेंट लेटर, अपना ऑफर लेटर्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे आप ऑप्शन वन है एंड ऑप्शन टू सेलेक्ट कर सकते हो। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू का चूज करने की लास्ट डेट क्या है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू के क्या जो है आपको आगे प्रोसेस होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन वन चूज करोगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा, और ऑप्शन टू आप लोगे तो क्या आपको प्रोसेस है या क्या आपको बेनिफिट्स है वो होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के बारे में एंड आईसीआर के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ems.exam.ac.in ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना ऑफर लेटर यदि जिसने डाउनलोड नहीं किया है, जिसने अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है, तो वो डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको नहीं आता तो नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में एक वीडियो की लिंक दी है, वो देख के आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू के बारे में। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि ऑप्शन वन यदि आप सेलेक्ट करोगे तो इसका मतलब जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक एम्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने एम्स का एग्जाम दिया है और मुझे फर्स्ट राउंड में ही एम्स ऋषिकेश मिल गया, अब मैं उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैं किसी अनदर इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेना चाहता, ठीक है, तो आपको ऑप्शन वन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन वन जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस की पूछा जाएगा कि आप जो है एक लाख का डीडी देंगे या आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देंगे। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स के पास सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, तो जो एम्स ने बताए हैं, ठीक है, जो आपके रिजल्ट में आए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपको पहले अभी देने होंगे। ठीक है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास ओरिजिनल हैं तो आप जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शंस पे क्लिक करना है, आपको डीडी के ऑप्शंस पे क्लिक नहीं करना है। ठीक है, डीडी के ऑप्शंस पे केवल वही स्टूडेंट्स जो है सिलेक्ट करेंगे जिनके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे हम बात करें सेकंड ऑप्शंस के बारे में। अब सेकंड ऑप्शन को ध्यान से सुनिएगा। सेकंड ऑप्शन यदि आप चूज करते हो तो इसका मतलब ये है कि मुझे ऋषिकेश अलॉट हुआ बट मुझे ऋषिकेश में एडमिशन नहीं लेना है, मेरा रैंक अच्छा है, मुझे और अनदर कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना होगा। सेकंड ऑप्शन चूज करने के बाद आपको रिजल्ट का वेट करना होगा 18 तारीख तक। अब इसके चूज करने की जो ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू की चूज करने की जो लास्ट डेट है वो आपका 7 डेट है, मतलब 7 अगस्त 2023 तक आप जो है चूज कर सकते हो। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी चूज नहीं किया है तो वो जल्दी से अपना डिसीजन ले लें और ऑप्शन वन में ऑप्शन टू में कोई भी ऑप्शंस आप ले सकते हो। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या हमें सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा, क्योंकि यदि हमारा सीट नहीं अलॉट हुआ तो ये भी सीट हमारी चली जाएगी। देखिए, एक चीज ध्यान से सुनिए कि यदि आपने ऑप्शन टू चूज किया है तो आपको सीट तो सेकंड राउंड में कंफर्म मिलेगी। अब ये देखना है कि यदि आपकी रैंक अच्छी है तो आपको जो भी आपकी ऊपर वाली चॉइसेस है, ठीक है, चाहे आप ऊपर भोपाल कर रखे हो, दिल्ली कर रखे हो, यदि आपकी उसके अकॉर्डिंग रैंक है, वहां पे सीट वेकेंट है, ठीक है, तो आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, वरना आपको पहले वाली कॉलेज वापस अलॉटमेंट हो जाएगी। ठीक है, मतलब सेकंड राउंड में भी आपको वही कॉलेज अलॉट हो सकती है, या आपकी रैंक अच्छी है तो ऊपर वाला कॉलेजेस भी आपको अलॉटमेंट हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, आपको बस जैसे आपने ऑप्शन टू सेलेक्ट किया है आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वहां पे सबमिट करवाइए, वहां पे वेरिफिकेशन करवाइए, उसके बाद में आपको वेट करना है 18 तारीख को। 18 तारीख को आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स है वो जो है वेरिफिकेशन के लिए जाना है, ऑप्शन चुनने हैं, ऑप्शन यदि फर्स्ट भी चुन सकते हो, ऑप्शन टू भी आप जो सेलेक्ट कर सकते हो, जो ऑप्शन आपके जो आपकी फैमिली से डिस्कस करके आप उसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है। आई होप आप निकल भी चुके होंगे, क्योंकि लास्ट डेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की 7 तारीख से स्टार्ट होगा, उसके बाद में 12 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है कि 7 से 12 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपको 18 तारीख तक जिन्होंने ऑप्शन टू सेलेक्ट किया है उनको वेट करना है रिजल्ट। ठीक है, तो ये चीज सारी प्रोसेस है, आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहे होंगे इस वीडियो के बाद। अब ऐसा नहीं सोचना कि मैंने ऑप्शन टू सेलेक्ट किया तो मुझे कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा, आपको कंफर्म कॉलेज अलॉट होगा, या तो आपको वही कॉलेज मिल जाएगा या आपकी रैंक अच्छी होगी, स्कोर अच्छा होगा, तो आपको अनदर कॉलेजेस भी मिल सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जिन स्टूडेंट्स के NRNNP लिखा हुआ है, ठीक है, अब जिनको अलॉटमेंट हो चुकी है पहले, तो इसका मतलब आप उसकी कैटेगरी में है। अब आपसे ज़्यादा रैंक वालों को ही अलॉट होगी, तो सबसे पहले आपको अलॉट की जाएगी ना, तो कोई आपको कन्फर्म 100% सीट मिलेगा, आपको घबराना नहीं है। आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपको से ज़्यादा रैंक वाले, आपकी आपसे अच्छी रैंक वाली थी, उनको सबको अलॉट हो चुकी है, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि जिन पहले स्टूडेंट्स है, जिन्होंने 1000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं किया काउंसलिंग में, तो अभी भी वो काउंसलिंग में सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इसका बेनिफिट आपको होने वाला है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। क्योंकि आपसे ज्यादा रैंक वाले जो अच्छी रैंक वाले, उनको सबको अलॉटमेंट हो चुका है। अब काफी एडमिशन स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, काफी एडमिशन भी नहीं लेंगे, ठीक है, और काफी ऐसे हैं जिनका सीट एक्सचेंज होगा, तो आपको कंफर्म मिलेगा, आपको घबराना नहीं है, बस अपना प्रोसेस कंप्लीट करवाना, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज समझ में आ चुकी होगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में। अब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर ICR पैरामेडिकल और MBSC नर्सिंग की अपडेट्स के लिए। तो चलिए आज इस वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।